पहुंच भी आ जाती है हमारे टिकैत बाबा पे तो हम लोग अपनी लाशें यहाँ बिछा देते, पुलिस हमको गोली से मार देती, लेकिन हम हटते नहीं। चार घंटे तो भोपू खोप चला गोडो मीडिया का, आतंकवादी आतंकवादी, और जैसे ही खुला कि बीजेपी का सब वापस, उसके बाद किसी का थूक, सब गले में थूक फंस गया, आज तक नहीं निकला। 5 दिन हो गए, 6 दिन, आज तक वो आदमी नहीं पकड़ा गया इनसे। चलिए मैं अब इनसे बात करता हूँ कि 28 तारीख कुछ और भी विटनेस है जो यहाँ पे मौके पे थे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल था 28 तारीख का। 28 जनवरी को आप यहाँ थे, आप शुरू से यहाँ पे टिके हुए हैं, सेवा भी अपनी दे रहे हैं, क्या उस क्या माहौल था 28 जनवरी का? माहौल तो सर बहुत गर्मा गर्मी का था उस समय, मतलब जैसे सामने मौत से लड़ना होता है वही हाल था हमारा बिल्कुल ही। यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन भी थी तब, वो 50 या 100 जो लड़के थे या 300 लड़के जो बता रहे हैं लोग, जो यहाँ पे बीजेपी के विधायक लोग आ गए थे, तो पुलिस प्रशासन जब खड़ी थी उनके सामने ये सब चीज़ें हो रहा था वो जी, उन्होंने आँख और कान सब बंद कर लिया था मेरी समझ में। नहीं, प्रशासन के होते हुए भला कोई गुंडा आ जाए, ये गुंडों से डरेंगे हम लोग? प्रशासन करता, पुलिस करती तो हमको अच्छा लगता कि चलो ठीक है प्रशासन कर रहा, लेकिन गुंडों से हमको भगाया जाएगा ये तो हमारे कहीं किसी कालम में नहीं लिखा कि हम गुंडों से डर के भाग जाएंगे। हम तो साहब किसान है, सामने काला सांप खड़ा होता है तभी हम फावड़ा लेके पानी लगाते रहते खेत में, इनसे डर जाएंगे हम? जो सांप का पता कि अभी काटेगा अभी मर जाएंगे, ये तो हमसे 10-20 कदम दूर थे, इनसे हम कैसे डर जाते? लेकिन माहौल इन्होंने भय का बनाया था, वो अलग बात है कि भय में थे क्योंकि यहाँ बहन बेटियाँ भी थी, तो हम लोग इस चीज़ से डर रहे थे कि ऐसा ना हो कहीं बेइज्जती होनी शुरू हो जाए, उस चीज़ का डर था हमको, बाकी डर और डरने वाली कोई चीज़ नहीं इनसे। 28 तारीख का नज़ारा यहाँ देखने लायक था, हम 200-250 आदमी कुल था उस टाइम, और नंद किशोर एक सुनील है पतले का, इन दोनों ने लगभग 300 नवयुवक डंडों से लैस होकर के यहाँ आए, और दो एक नवयुवक इन्होंने ऊपर भेजे और टिकैत साहब का हाथ पकड़ा। अच्छा, किसने पकड़ा? जो जो जनसंगी थे। अच्छा, हाँ जी, तब उसे धकेल के भगाया। जब चौधरी साहब ने आंसू काट के कहा कि यदि आज मेरे किसी किसान के या मेरी बहन बेटी के बेइज्जती हुई तो हमारा क्या नाम जी, मैं यहीं फांसी खा लूँगा और यहीं मैं मर जाऊँगा। तो मतलब हिम्मत से खड़े थे आप? हिम्मत से, पूरी हिम्मत से सारी रात जगे और घूमे खूब। पहुँच भी आ जाती है हमारे टिकैत बाबा पे तो हम लोग अपनी लाशें यहाँ बिछा देते, पुलिस हमको गोली से मार देती, लेकिन हम हटते नहीं। उस रात को और क्या हुआ था? लोग जो आए थे, जो आप कह रहे हो असामाजिक तत्व आए थे, असामाजिक तत्व आए थे, नीचे 3-4 किसानों को पीटा, और जब यहाँ टिकैत साहब थे उस पे मंच पे, मैं वही मौके पे खड़ा था, नीचे से एक लड़का आया, उन्होंने टिकैत साहब को पकड़ने की कोशिश की, टिकैत साहब ने उसको पकड़ लिया, बस ये कहा कि कोई इसी को और इसको मतलब मारेगा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा, फिर उसको पुलिस को दे दिया गया। टिकैत साहब तो ये कह रहे थे उस रात को, जो हम लोग भी देख रहे थे सुन रहे थे क्योंकि मैं भी कहीं और रास्ते में था, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है पुलिस प्रशासन हमें गिरफ्तार करना चाहती है, हम गिरफ्तारी दे रहे हैं, तो फिर इस तरह से असामाजिक तत्व, तो कोई गुंडा एलिमेंट आके किसी का हाथ पकड़ ले और वहाँ पे सामने अगर प्रशासन भी खड़ा हो, तो ये कहाँ का लोकतंत्र है? बड़ी शर्म की बात है, इसमें तो डूब मरे अपने आप में सरकार कि ऐसे हो रहा है सामने, मतलब एक नहीं, चलो ये मानते कि भाई यहाँ 5,000 आदमी हो, 20 पुलिस वाले खड़े तो क्या करते, सामने 3,000 पुलिस वाला खड़ा, हम यहाँ 500 आदमी हो फिर भी हमारी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि सरकार डूब मरे चुल्लू भर पानी में, तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं उसके लिए। हम तो हमारे दो के आधार पर मोदी चल रहा, आप नहीं चलेगा जी, बदल गया भैया, अडानी अंबानी मोदी जिसको आप बता रहे कौन है, मुझे तो 2 करोड़ वो दूंगा तुम्हें नौकरियां फलाना ढिकड़ा, यो जुमलेबाजी करके यो है बाजीगर, और जिस तरह बाजीगर, तो आप भी तो 2000 के लालच में फंसे हो। हमने आज तक नहीं लिया ना लेंगे, हमें मोदी सरकार से कुछ भी नहीं लेना, हमें अपने 3 कानून लेने बस। हम लोग इसी देश के नागरिक हैं, कहीं ऊपर से आसमान से नहीं गिरे हैं ना कहीं दूसरे मुल्क से आए हैं, और जो तिरंगे की बात कर रहे हैं, तिरंगे में हर कौम ने शहीदियां दी हैं तब जाके हमारा तिरंगा बना है। कि वो टुकड़ा दिखा है ना, उस टुकड़े का मजा ले तो रहे हैं, उस टुकड़े का मजा ले रहे हैं ना, चाय बेचते हुए आए थे और अब चाय पिलवा रहे हैं सबको ठंड में बैठ के रोड, वो भी तो भाई मेरे मित्र, ये जो है मोदी चाय बेचने वाला जुमला है, इसने यहाँ पर हिंदू मुस्लिम फलाक है इस उत्तर प्रदेश को बांट दिया, और जिस तरह से 85 70 या 75
ये एमपी चले गए। एक बार आके तुम्हें चाय पिला दे तो मान जाओगे? नहीं, हम नहीं मानेंगे इसको। चाय पे भी नहीं मानोगे? चाय पे तुम मोड़ दे सकते हो। इसे तो इसे तो कफन भी नहीं देने के भाई हम। हाँ, इसे कफन को भी नहीं देने के। ये तो कफन लाख भी नहीं है। ये तो कायदे में जिसे इस आदमी को कफन भी नहीं मिलना चाहिए। और यो जो हमारा जीवन, हमारे किसानों का जीवन बचाया है तो टिकैत और अजीत सिंह ने बचाया है। और अजीत सिंह आह्वान ना करते, टिकैत के आंसू ना निकलते तो इस आंदोलन में जान नहीं पड़ी। और हम लोग तो ये कह रहे हैं कि एजेंसियां क्या कर रही थी जिसने वहां अपमान किया हमारे तिरंगे का? रास्ते में ये गोली चला सकते थे, वहां उसको गोली मार के गिरा लेते तब हम लोग खुश होते कि हमारे तिरंगे का अपमान करने जा रहा था, इसको गोली मार के गिरा दिया उन्होंने। अच्छी बात थी, हम तो आज भी कहते हैं जो जिसने किया जो बंदा था उसका तो फोटो प्रधानमंत्री साथ, अमित शाह के साथ में, सबके साथ में। चार घंटे तो भोपू खोप चला गोड मीडिया का, आतंकवादी आतंकवादी, और जैसे ही खुला कि बीजेपी का सब वापस, उसके बाद किसी का थूक, सब गले में थूक फंस गया, आज तक नहीं निकला। 5 दिन हो गए, 6 दिन, आज तक वो आदमी नहीं पकड़ा गया इनसे। और ये हमारी सरकार है, 5 दिन में उस आदमी को गिरफ्तार नहीं कर पाई, डूब मरे अपने आप में सरकार। उसको चौराहे पे खड़ी करके गोली मारे तब हमारी आत्मा को शांति मिलेगी जिसने तिरंगे का अपमान किया।